हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडी मंत्र और आज करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फटाफट से। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करने देते हैं, और जो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू चार्ज को अलाउ नहीं करते। यहाँ पर बात करें मेटल्स की, मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर्स है? तो मेटल्स इसलिए गुड कंडक्टर्स है क्योंकि उनके एटम्स की साइज रिलेटिवली लार्जर होती है कंपेयर टू नॉन मेटल्स, एंड लार्ज साइज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है एटम के वो कई बार स्किप आउट हो जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और करंट कंडक्शन के लिए फ्री चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। तो यही वो फ्री चार्ज कैरियर्स का काम कर रहे होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ज की। तो चार्ज जो है दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमको पता है कि भाई लाइक चार्ज जो है वो क्या करता है, रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मेजर करते हैं कूलम्ब में, और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज होता है। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है टोटल चार्ज क्यू, ये निकाला जा सकता है बाय द फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एनी, जिसमें एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और ई जो है वो एक चार्ज, ये दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज, वो ई की वैल्यू रहेगी। यहाँ पर करंट को अगर हम बोले तो वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इज नथिंग बट चार्ज की स्पीड, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। करंट वैसे आई से रिप्रेजेंट होता है पर एम्पियर ए से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, एम्पियर में, अच्छा, इसका मेजरिंग डिवाइस जो है वो एमीटर है। एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, और ये एक सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आप देख सकते हो इस सर्किट में एमीटर जो है कैसे रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन लाइन, एक ही लिनियरिटी में, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो करंट पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। सो देयरफॉर अब यहाँ पर एक चीज और बता सकते हैं कि 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर का वो क्या होगा, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज इन सर्किट फॉर 1 सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है। इट इज नथिंग बट किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, वो सेल कितना वर्क कर सकता है चार्ज को सर्कुलेट करने में वायर के अंदर। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट में, और इसकी जो डिवाइस होती है वो होती है वोल्ट मीटर। दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डिवाइस। यहाँ पर दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी जिस डिवाइस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ में इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर ऑन 1 कूलम्ब चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी ऑफ 1 वोल्ट। यहाँ पर देखो, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा सर्किट के अंदर उतना ज़्यादा करंट होगा, तो यहाँ पर इससे क्या पता लगता है, V प्रोपोर्शनल टू I, और यही है ओम्स लॉ, ठीक है। सो लॉन्ग एज अ फिजिकल स्टेट रिमेन सेम द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट R है। दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में बहुत जरूरी होगा। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि करंट जो है सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। इसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस द अपोजिशन टू करंट, ये हमने जो यहाँ पर देखा वो करंट को अपोज करने वाला फैक्टर है, ठीक है, जो कंडक्टर की एबिलिटी है। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट है वो ओम है, जिसको हम ऐसे सिंबल में दिखाते हैं, और सर्किट में रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाता है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है तो इस तरीके से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर एंड सो ऑन। अगर पैरेलल में लगा है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो टोटल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यहाँ पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर बताना है तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसका लेंथ मान लो L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो थिकनेस है वो A है, उसका जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल का वो रो है। तो यहाँ पर, अच्छा, रेजिस्टिविटी नहीं भी पता हो तो आप कैसे कर सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ ज़्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, याद रखना, ठीक है, और जितना मोटाई ज़्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो आर प्रोपोर्शनल टू एल, एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को मिलाओगे आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए हो गया, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट कि भाई वो किस मटेरियल से बना है। सो देयरफॉर दैट इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इस रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, याद रखना। यहां पर हीट और पावर की बात कर लेते हैं। सर, हीट जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहां से आ गया सर, वायर में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, जब सेल लगाया हुआ है तुमने, प्लस माइनस लगा हुआ है, तो वायर में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो ऑब्वियसली वो एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं सर अपन,
उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। पर द सेम रेजिस्टेंस, एक और कंसेप्ट समझो कि भाई उसके पास स्पीड थी ना इलेक्ट्रॉन के पास, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई ना किसी एनर्जी में, वो हीट में कन्वर्ट हुई है। यही वो हीट की है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हीटिंग कॉइल बनाने के लिए इसलिए क्या किया जाता है कि तुमको रेजिस्टेंस हाई रखना होता है। अब रेजिस्टेंस हाई रखना है किसी वायर का तो आपको पता चल चुका है कि लेंथ ज़्यादा रखना है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा रखनी है, एरिया कम रखना है, तो उस हिसाब से ही हमको लेना होता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा रखनी है इसलिए अलॉय से बनाया जाता है हीटिंग कॉइल। यहाँ पर पावर की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें हीट का फॉर्मूला और क्या हो सकता है सर, तो हम देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज देखा हमने, तो वर्क क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, क्यू यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर भी वर्क कौन सा, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यहाँ पर हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो डब्ल्यू की जगह पे एच डाल दिया और क्यू की जगह पे आई टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, देयरफॉर एच इज इक्वल टू वी आई टी हो गया। अब इसमें भी अगर मैं वी इज इक्वल टू आई आर डालूँ अपने ओम्स लॉ के साथ, वी इज इक्वल टू आई आर डाल दूँ, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी भी हीट का फॉर्मूला हो गया, और अगर मैं I इज इक्वल टू वी बाई आर डालता हूँ सेम ओम्स लॉ, तो यहाँ पर हीट का तीसरा फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर टी बाय आर। तो ये तीन फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसमें भी आई स्क्वायर आर टी जो है इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास। इसमें भी यहाँ पर याद रखो पावर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, तो इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी फॉर्मूला मिल गया। अब ये W इज इक्वल टू एनर्जी है और ये एनर्जी के तुमने फॉर्मूला निकाले, सब में से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ पर पावर की यूनिट वैट होती है, कमर्शियल यूनिट जो है इसकी किलो वैट, दैट इज 1000 वैट, एंड 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट। तो यहाँ पर होता है अपना चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।